हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम वीकली जो कुछ भी सीए में पढ़ाते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आते हैं प्रत्येक संडे। तो आज जो है संडे है, तो हमारा जो एमसीक्यू की सीरीज है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज। पहली बात हम करेंगे विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष फरवरी में कब मनाया जाता है, किस वीक में मनाया जाता है? फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक? तो इसका आंसर है फर्स्ट वीक। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 16 फेब, 17 फेब या 18 फेब? तो ये मनाया जाता है 17 फेब को, और 17 फरवरी 2023 को पहली बार मनाया गया था। मतलब पहली बार ऑर्गेनाइज कब करा गया था? 17 फरवरी 2023 को ऑर्गेनाइज करा गया है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली, कैलकटा, नोएडा, बेंगलुरु में। तो ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? कैलकटा में, और एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो था ये। यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? नील मोहन, सुसान वोज्सकी, शांतनु नारायण या अरविंद कृष्ण? तो हमारा आंसर है नील मोहन। यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून कौन से देश में पारित हुआ है? नीदरलैंड में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्पेन में? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्पेन में ऐसा किया गया है। और इसके पहले जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जाम्बिया में इस तरीके का जो कानून है वो उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली, कैलकटा, नोएडा, बेंगलुरु में? तो यह आयोजित किया गया था दिल्ली के प्रगति मैदान में। भारत की 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 की शुरुआत कब की गई है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी? तो ये शुरू किया गया था 16 फरवरी को। किसके द्वारा? तो BPRD, AICTE और I4C के द्वारा। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित करी गई थी? दिल्ली में, कैलकटा में, नोएडा में, बेंगलुरु में? तो हमने पढ़ा था कि द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी दिल्ली में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल फिजी में आयोजित किया गया था, हमने ये पढ़ा था। खराब मौसम में पायलटों की मदद के लिए वायुसेना द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वायुप्राण, वायुलिंक, वायुदूत और वायुहंस? वायुलिंक ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा स्टेशन में और पायलट के बीच में मौसम खराब होने पर भी। 2019, 2020, 2021 का उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार कितने कलाकारों को प्रदान किया गया है? 19, 20 और 21 के लिए एक साथ ही कलाकारों को पुरस्कार दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार दिया गया है। और अब ये पूछा जा रहा है कि कितने कलाकार थे जिनको दिया गया है, तो वो कलाकार है 102। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है, और इसका जो डिसीजन है वो 8 नवंबर 2022 को ले लिया गया था, और उसके बाद अभी जो है प्रदान कर दिया गया। थल सेना के नए उपप्रमुख लेफ्टिनेंट किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देख सकते हैं, जनरल मनोज पांडे, जनरल BS राजू, जनरल MV सुचिंद्र कुमार, जनरल आर कुमार। तो हमने पढ़ा था जनरल MV सुचिंद्र कुमार को उप प्रमुख लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है थल सेना के लिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम बताना है क्या है? आधार प्रकाश, आधार सेवा, आधार पहचान, आधार मित्र? तो इसका नाम है आधार मित्र, जिसके माध्यम से आधार से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी स्टेटस है वो जान सकते हैं, और साथ में ही आपका जो आधार का सेंटर है नियर बाय क्या है वो भी हम पता लगा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ था, उसका नाम क्या है? धर्माधार, धर्म गार्जियन, प्रचंड प्रखर? तो उसका नाम है धर्म गार्जियन।
कहाँ पर किया गया एक्सरसाइज? तो जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया है। यूनेस्को का मातृभाषा पुरस्कार किसको दिया गया था? हमने पढ़ा था ये पुरस्कार दिया गया था महेंद्र कुमार मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और दिया गया है किसे? महेंद्र कुमार मिश्रा को। कहाँ पर दिया गया है? बांग्लादेश में दिया गया है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। लेफ्टिनेंट फाइलेरिया से मुक्ति के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? सर्व दवा सेवन, यानी फाइलेरिया जो रोग है उससे बचने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए सभी लोगों को दवा उपलब्ध हो, सभी के पास दवा उपलब्ध हो, ये अभियान चलाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री राजेश भूषण ने फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू करा है, यानी सर्व दवा सेवन अभियान शुरू करा है। कर्नाटक में मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ है पूछा जा रहा है। 16 फेब को हुआ, 17 को, 18 को, 19 को। तो ये हुआ है 16 फेब को इनका निधन हो गया है। किसका? बलिपा नारायण भागवत जी का। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर तुलसी दास बलराम का निधन कब हुआ? 16 फेब, 17 फेब, 18 फेब और 19 फेब। तो इनका निधन हुआ है 16 फेब को। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्टपुट का मतलब होता है गोला फेंक इवेंट में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो ये इन्होंने जीता है गोल्ड। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 में कब मनाया जाता है? 16, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी, 18 फरवरी को, जो फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? मोबाइल पासपोर्ट है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है, पासपोर्ट पुलिस ऐप है या PVP ऐप है? तो ये है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। चीता पुनः वापसी कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते के दूसरे जत्थे को कहाँ रखा गया है? तो ये जो दूसरा जत्था आया है उसको रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया का MD किसे बनाया गया? एम चंद्रशेखर, राकेश प्रसाद, रोहित सूरी या राजन अम्बा? तो ये बनाया गया है राजन अम्बा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने व्यक्तियों ऑब्लिक संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 यानी UPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो वो जो नंबर है वो एक व्यक्ति है और दो संगठन है, उसको घोषित करा गया है। हाल ही में 17 फरवरी को पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले में आयोजित किया गया है? पंजाब में झींगा मेला आयोजित किया गया है, वो कहां पर आयोजित किया गया है पूछा जा रहा है। तो वो जिला है मुक्तसर जिला। भारत में खोज की गई बीटल की नई प्रजाति का क्या नाम है? ओमोर्गस खानदेश, ओमोर्गस खानदेश, बी खानदेश। तो इसका नाम है ओमोर्गस खानदेश। केरल राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत 21-22 के लिए स्वराज ट्रॉफी किस जिले ने जीती है? त्रिवेंद्रम, कोल्लम, कोच्चि, मल्लपुरम। तो ये जीता है कोल्लम जिले ने। भारतीय त्रि सेवाओं के लिए इजराइल की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? लोरा बैलिस्टिक का मिसाइल किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? टाटा एलेक्सी, DRDO, HAL, BEL। तो ये करा जाएगा BEL के द्वारा, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले ChatGPT संचालित AI चैटबॉट का नाम पूछा जा रहा है वो क्या है? लेक्सी, वेलोसिटी, एल्गोरिथम, चैट वेलोसिटी। तो इसका नाम है लेक्सी। हाल ही में मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर के किस एक्टर का निधन हो गया? अली फजल, पंकज त्रिपाठी, शहनवाज प्रधान और लिलीपुट। क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था शहनवाज प्रधान।
20 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक एकता दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक सद्भाव दिवस, विश्व सामाजिक सौहार्द दिवस। तो ये मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई गई? 17 फेब, 18 फेब, 19 फेब और 20 फेब। तो ये मनाई गई है 19 फेब को। और छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 में हुआ था, पुणे के शिवनेरी किले में। आठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? 17 फेब, 18 फेब, 19 फेब, 20 फेब। तो ये मनाया गया है 19 फेब को। पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किसने हासिल करा था? तो ये करा है हासिल, शीर्ष स्थान पर है कार्तिक सुब्रमण्यम। यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है? हमने पढ़ा था किसको नियुक्त किया गया है यूनिसेफ की तरफ से बाल अधिकारों की राष्ट्रीय राजदूत के रूप में, तो आयुष्मान खुराना को। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेंडन मैकुलम, एडम गिलक्रिस्ट और क्रिस गेल। तो ये बने हैं बेन स्टोक्स। 10 दिवसीय दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर करा गया था? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद। तो हमने पढ़ा था मुंबई में ऐसा करा गया है। हाल ही में किस तेलुगु अभिनेता और राजनेता का निधन हो गया? महेश बाबू, नंदमुरी तारक रत्न, चिरंजीवी रामचरण। तो ये जो आंसर है हमारा क्या है? नंदमुरी तारक रत्न। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 18, 19, 20 या 21 फेब। तो ये मनाया जाता है 21 फेब को। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ पर में। तो ये आयोजित किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस संयुक्त रूप से किस दिन मनाया गया? तो 18 फेब को, 19 फेब को, 20 फेब को, 21 फेब को। तो ये मनाया गया है 20 फेब को। भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित चौथे संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? दस्तलिक, प्रखर, वीर प्रचंड। तो नाम क्या है? दस्तलिक नाम है। देखो, बाफ्टा में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था? जो 76 नंबर का बाफ्टा अभी दिया गया है अवार्ड्स, तो उसमें किस किस मूवी को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ये पूछा जा रहा है। तो वो फिल्म थी ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। किस डोमेस्टिक एम्प्लॉयसेंज कंपनी ने अपना नाम बदलकर वर्सुनी करने का निर्णय लिया है? हमने पढ़ा था कौन सी कंपनी है वो? फिलिप्स है, गोदरेज है, एलजी है, वीडियोकॉन है। तो वो कंपनी है फिलिप्स, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल एनएचएस ट्रस्ट की सीईओ के लिए किसको नामित किया गया है? किट ब्लैंचेट, मेघना पंडित, ऑस्टिन बटलर, राजेश थापर। तो ये कौन है? तो ये है मेघना पंडित। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62nd सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? किट ब्लैंचेट, रुचिरा कंबोज, ऑस्टिन बटलर, राजेश थापर। तो ये है रुचिरा कंबोज। रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किए गए संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का क्या नाम है? MOSI 2, MOSI 3, MOSI 1, MOSI 4। तो यह है MOSI 2। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है। गैस डीजल कारों की बिक्री पर यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से कब से प्रतिबंध लगाया है? तो औपचारिक रूप से कब से प्रतिबंध लगाया है? तो 2035 से प्रतिबंध लगाया है।
विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी। तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। नीति आयोग का चौथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नियुक्त किया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो मूवी है द कश्मीर फाइल्स। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, और सर्वश्रेष्ठ वर्सटाइल एक्टर कौन है? अनुपम खेर को मिला है, और साथ में ही ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला है रणवीर कपूर को। भारत के 22nd विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाने की जो तारीख है वो क्या है पूछा जा रहा है? 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त 25, 31 अगस्त 26 और 31 अगस्त 2027। तो ये है 31 अगस्त 2024, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसने प्राप्त किया है? टाटा, गोदरेज, अदानी, रिलायंस ने। तो ये जो है शीर्षक अधिकार जो है प्रदान किया है टाटा ने, प्राप्त किया है किसने? टाटा ने। स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च करा गया है, कब लॉन्च किया गया है पूछा जा रहा है? तो ये लॉन्च करा गया है 19 फरवरी को। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में पहला जो संस्करण है या पहला जो हाइब्रिड रॉकेट है वो लॉन्च करा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? आर गौहर, अफशा खान, सामिया नाज, सुनीता कुमारी। तो हमने पढ़ा था अफशा खान को नियुक्त किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च भारत के पहले एआई चैटबॉट का क्या नाम है? तो कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट है अमा कृषाई। 2023 का ज्ञानपना पुरस्कार किसको दिया गया है? कुंजू पिल्लई को, आर बिंदु को, वी मधुसूदनन नायर को, या आर जी मंगोलम को? तो ये दिया गया है वीर मधुसूदनन नायर को। पॉपुलर टीवी एंकर थी और मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म एक्ट्रेस थी, उनका निधन हो गया है, उनका नाम पूछा जा रहा है, वो क्या नाम थी? नाम था उनका कुंजू पिल्लई, आर बिंदु, सुबी सुरेश, आर जी मंगोलम। तो इनका नाम है सुबी सुरेश। सऊदी अरब में बनाई जा रही हाईटेक सिटी का क्या नाम है? सऊदी अरब एक हाईटेक सिटी बना रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है, वो क्या है? नया वतन, न्यू मुरब्बा, न्यू वर्ल्ड, हाईटेक वर्ल्ड। तो उसका नाम था न्यू मुरब्बा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी। तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। वेदांता और फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर एक डिस्प्ले सुविधा स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना। तो ये कर रहे हैं गुजरात में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई गेहूं की नई किस्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है HD3385। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो वो बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी, रामकुमार वर्मा, सुनीता सहगल, राजकुमार ज्योति। तो इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। भारत का 80 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? सुनीत आर, विग्नेश एन आर, सुनीता सहगल, राजकुमार ज्योति। तो ये बन गया है विग्नेश एन आर। महिलाओं की एयर राइफल में किसने कांस्य पदक जीता है? सुनीता आर, तिलोत्तमा सेन, सुनीता सहगल, ज्योति के। तो ये नाम है तिलोत्तमा सेन ने एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है।
आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में 2024 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए किसे चुना गया है? सुनीता आर, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, वेंकट राजू और ज्योति के। तो ये चुना गया है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को। अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? हमने पढ़ा था अभी कि जो अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नॉमिनेट करा है किसे? कैमरून नॉरी, अजय बंगा, राफेल नडाल, ज्योति के। तो ये नॉमिनेट करा गया है अजय बंगा को। मुंबई किस स्टेशन का नाम बदलकर भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जा रहा है? तो मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है चर्च गेट, उसका नाम बदलकर भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। I2U2 के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन 22 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया है। पूछा जा रहा है कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में, अबू धाबी में, दुबई में, बेंगलुरु में। तो ये आयोजित किया गया था अबू धाबी में। ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुनीता आर, तिलोत्तमा सेन, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल। तो ये जीता गया है रुद्राक्ष पाटिल के द्वारा। इंस्टाग्राम का आर्टिफैक्ट क्या है? समाचार ऐप है, समाचार प्रोग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया गेम ऐप है। तो यह है समाचार ऐप। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है किसे? सज्जन जिंदल को, केवी कामत को, महेश प्रताप नेने को या वी वैद्यनाथन को? तो ये जो सम्मानित किया गया है किसे करा गया है, तो सज्जन जिंदल को नॉमिनेट करा गया है या सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस मशहूर क्लासिकल डांसर का निधन हो गया है? सुनीता आर, तिलोत्तमा सेन, कनक रेले, स्मिता आर। तो अभी जो डेथ हुआ है वो कनक रेले का डेथ हुआ है, जो केरल का मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है उसके लिए जानी जाती थी, उसके लिए फेमस थी। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे कई सारे पुरस्कार मिला था। आई होप कि आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए मुझे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो डेली करंट अफेयर का क्लास आता है उसमें हम हर एक न्यूज की डिटेलिंग करते हैं, अच्छे से हर एक न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम एमसीक्यू के माध्यम से क्विक रिविजन करते हैं। तो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।